ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर माँ की महिमा अपरंपार है तो भक्तों की भक्ति भी अनोखी है। ऐसा ही एक उदाहरण माता नैना देवी के दरबार में देखने को मिला, जब चंडीगढ़ के गांव मलोहा से एक वयोवृद्ध 110 वर्षीय बाबा पैदल यात्रा करके अपनी संगत के साथ माता नैना देवी के दरबार में पहुंचे। बाबा जी की इस यात्रा के बारे में जानकर मंदिर के पुजारी और यात्री भी काफी हैरान हुए। अगर माँ की महिमा अरम्पम पार है तो भक्तों की भक्ति भी अनोखी है। ऐसा ही एक उदाहरण माता नैना देवी के दरबार में देखने को मिला, जब चंडीगढ़ के गांव मलोहा से एक वयोवृद्ध 110 वर्षीय बाबा पैदल यात्रा करके अपनी संगत के साथ माता के दरबार में पहुंचे। बाबा जी की इस यात्रा के बारे में जानकर मंदिर के पुजारी और यात्री भी हैरान हो गए। बाबा जी का नाम बाबा मंगलगिरी जी महाराज है। पैदल यात्रा में उन्हें 5 दिन का समय श्री नैना देवी जी पहुंचने में लगा। हालांकि पैदल चलने के कारण बाबा जी के पैरों में छाले पड़ गए थे, पट्टी बांध रखी थी, लेकिन उनके साथ आए श्रद्धालुओं का कहना था कि बाबा जी कई बार ऐसी पैदल यात्रा कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि काफी समय से बाबा जी को कुछ दिखाई भी नहीं देता। इसके बावजूद भी वह श्री नैना देवी जी, बाबा बालकनाथ, दियोटसिद्ध ज्वाला जी, चामुंडा देवी और वैष्णो देवी तक यात्रा कर चुके हैं। चंडीगढ़ के मलोहा गांव से यहां पहुंचने के लिए उन्हें 5 दिन का समय लगा। उनके साथ आए श्रद्धालुओं का कहना है कि माता की असीम कृपा है जो इस उम्र में भी उन्हें पैदल यात्रा करने का बल देती है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार बाबा जी के साथ अपनी यात्रा आगे भी जारी रखेंगे। कई साल से पैदल यात्रा करते हैं, जिस तरह की नैना देवी, बाबा बालकनाथ, चामुंडा जी, कांगड़ा जी, वृंदावन, मणि महेश तक पैदल ही गए। इस बार वृंदावन गए थे जी, कई साल से मतलब जाते लगातार पैदल ही। हम 5 दिन लग गए जाते हुए जी, पिंड मलोए थे, नैना देवी पहुँचते थे। 5 दिन सब पहुँचे। हाँ जी, कल चलते हैं बाबा जी की शक्तिगण, महामाई की शक्तिगण, मंगलगिरी महाराज जी, गुरु महाराज। कितने साल दी उम्र होगी जी? 110 साल जी उम्र होगी ना। अल्लाह दे भैया ज्यादा ही।